हेलो, आज मैं आपको एंजाइटी के बारे में बताने वाला हूं। एंजाइटी मतलब चिंता, फिकर। ऐसा बोला जाता है कि 21वीं जो सदी है, 21st सेंचुरी, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को वो है चिंता का, टेंशन, एंजाइटी। चिता जो है ना, चिता वो मरे हुए आदमी को जलाती है, और चिंता जो है वो जिंदा आदमी को जलाती है, जिंदा आदमी जल जाएगा। आज ऐसा है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर व्यक्ति को चिंता आ रही है, छोटी छोटी बात है। ऐसा बच्चा है तो उसको चिंता है कि पढ़ाई कैसे करे, 10th में कैसा अच्छे मार्क लेके पढ़ाई करे वो, या कंपटीशन में कैसा वो आ जाए फर्स्ट। तो उनके माँ बाप को चिंता रहती है कि अपना बच्चा पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा। फिर बच्चा कॉलेज में जाएगा तो उसको चिंता है कि भाई मेडिकल में जाना, इंजीनियरिंग में जाना, और कोई कोर्स लेना, कौन सा कोर्स, उसकी चिंता उसको लगे रहती है। तो बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे को कोई मतलब कोई नशा वो करेगा क्या, कोई गलत संगत में है क्या, कोई लड़की ज्यादा फैशन कर रही है क्या, या कहीं व्हाट्सएप पे फेसबुक के ऊपर ज्यादा काम कर रहे क्या, मतलब वो चिंता पालक लोगों को रहती है। फिर पालकों को शादी की चिंता रहती है, पैसे की चिंता रहती है लोगों को, क्योंकि पैसा तो ऐसा है कि कितना भी कमाया तो भी कम लगता है। पैसे की चिंता है, कोई बीमारी हो जाएंगी उसकी चिंता है, प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी चिंता है, बॉस क्या बोलेगा, ट्रांसफर मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ट्रांसफर होंगी कि नहीं होंगी, हमको ट्रांसफर होना नहीं है, हो जाएंगे तो क्या होगा, और चाहिए और नहीं हो रही तो क्या होगा, दोनों तरफ है। या कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, या हार्ट अटैक आ जाएगा, दिल का दौरा पड़ेगा, या मैं फेल हो जाऊंगा, धंधा कैसे चलेगा, गवर्नमेंट के नए रेगुलेशंस कैसे क्या क्या आएंगे, फिर उसमें मेरे धंधे का क्या होगा, धंधा चौपट होगा क्या, कल मेरे धंधे के ऊपर कोई असर हो गया और मुझे घर बैठना पड़ा, तो कल दिवाला मैंने पीट दिया तो क्या होगा, धंधे में बहुत लॉस हो रहा है, तभी क्या करना चाहिए, कर्जा बहुत है, कर्जा फेड़ने का, ब्याज देने का है, तो बच्चों की पढ़ाई है, खुद की पढ़ाई है, या पति पत्नी में कोई संघर्ष हो रहा है, या माँ पिताजी का कोई संघर्ष है, उनके साथ में नहीं पट रही है, सास ससुर के साथ में नहीं पट रही है, मतलब ऐसे अनेक कारण सामने हैं कि जिसके वजह से हमको दिमाग में कंटिन्यूअसली टेंशन आते रहता है। तो मैं हरदम मेरे वर्कशॉप्स में बोलते रहता हूँ, जो मैं हिप्नोटिज्म के वर्कशॉप लेता हूँ उसमें हरदम बोलते रहता हूँ कि भाई कितने लोगों को टेंशन नहीं चाहिए, तो सब हाथ ऊपर करते हैं, किसको टेंशन नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा टेंशन आपको नहीं चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा मरघट में, जहां डेड बॉडीज है, क्योंकि जहां वो लोग मतलब जो लोग वहां सोए हुए हैं या जो लोगों को जलाया हुआ है, वो लोग मरे हुए हैं, उनको चिंता आएंगी नहीं। जो जिंदा है, जो जीवन जी रहा है, उसको चिंता आएगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम का सामना उसको करना ही पड़ेगा। और चिंता आ रही है, टेंशन आ रहा है, कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, ये अच्छी खबर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चालू है। कोई चिंता होना है तो कुछ मत करो, जो आपको चिंता नहीं चाहिए तो घर में जाके बैठो, सो जाओ, और तभी भी चिंता हो जाएंगी कुछ ना कुछ कि मेरे को नींद आएगी नहीं। क्योंकि अभी एक एक आदमी था, वो रिटायर्ड हो गया, बोले अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, पेंशन मिल रही है 17-18 हजार रुपए महीने की, और घर में बैठा हुआ है। मैंने बोला अभी आपको चिंता तो कुछ नहीं होंगी, नहीं बोले अभी चिंता है, बोले क्या चिंता है, बोले दिन कैसे काटना है चिंता है, फिर कोई बीमारी हो जाएंगी और जल्दी में मर जाऊंगा वो चिंता है, नींद नहीं आती जल्दी उसकी वो चिंता है, चिंता तो आएंगी। तो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, इसमें चिंता आने वाली है, उसमें प्रॉब्लम्स आने वाले, टेंशन आने वाले, और इसमें फिर हमने उसको कैसा फेस करना, उसका कैसा सामना करना, वो महत्व का है। क्योंकि वो चिंता आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, हम यदि उसका टेंशन लेंगे तो होगा क्या, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मुझे डायबिटीज होगा, शक्कर की बीमारी होंगी, मुझे अस्थमा आ जाएगा, मुझे खुजली आ जाएगी, मेरा पेट दर्द करेगा, एसिडिटी होंगी, मतलब चिंता यदि रही तो काफी सारे बॉडीली शारीरिक बदल होते हैं, और बदन की बीमारियां काफी हो जाती है चिंता की वजह से, सर दर्द होता है, माइग्रेन के अटैक आते हैं, भूख नहीं लगती, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम है चिंता की वजह से। तो भी इसका हल क्या है, करना क्या है, तो हम ये बताते हैं कि भाई कैसे
करना यह है कि आप कोई तो भी बड़ा काम ऐसा करो कि जो काम के लिए आप अपनी जिंदगी देने को तैयार है। ऐसा काम आपके धंधे में करो, बिजनेस में करो, या ऐसा काम कोई तो भी ऐसा बड़ा खड़ा करो, वो सोशल वर्क हो सकता है, या कोई ट्रस्ट की स्थापना करो, या आपके बिजनेस में ऐसा कुछ तो भी बड़ा काम करो कि वो लोगों के लिए होगा। ऐसे कुछ तो भी बड़ा काम करो कि जिसमें आपको तकलीफ नहीं होंगी, आप अपसेट नहीं होंगे रोज की जिंदगी में। और वो बड़ा काम करेंगे ना तो बड़ी तकलीफें आएंगी, मगर कम से कम छोटी तकलीफ तो निकल जाएगी, छोटी तकलीफ तो नहीं रहेगी। इसलिए बड़ा कुछ तो भी काम खड़ा करो, सेवा का काम करो, समाज के लिए काम करो, लोगों के लिए काम खड़ा करो। तो जब आप बड़ा कुछ तो भी, हमारे से बड़ा मतलब मेरे से बड़ा, मेरे मेरी जो कैपेसिटी क्षमता है उससे काफी बड़ा काम यदि मैं करना चालू करता हूं, तो नेचुरली मेरी जो छोटे छोटे काम है, छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है वो आप ही आप निकल जाएंगे। इसके अलावा मैं रोज बोलता हूं कि जिसको जिसको चिंता सताती है उसको उसको रोज उसने स्व सम्मोहन करना चाहिए, हिप्नोटिज्म करना चाहिए, सेल्फ हिप्नोसिस करना चाहिए। सेल्फ हिप्नोसिस में होता क्या है कि आप खुद चेयर पे बैठे हैं, इजी चेयर पे बैठे हैं, रिलैक्स बैठे हैं, और पहले शवासन की पोजीशन आप लेते हो, पहले शवासन कर लेते हो, मतलब शव जैसा आसन, डेड बॉडी जैसा आसन, वो शवासन। तो आपने पूरा बदन रिलैक्स कर लिया, और पूरा बदन रिलैक्स करने के बाद में खुद ने खुद को सूचना देने की है कि मेरे पैर रिलैक्स हो गए, घुटने, पैर, पेट, पीठ, कमर, ऐसा पूरे हाथ, बदन वगैरह पूरा बॉडी में रिलैक्स कर रहा हूं, और कंप्लीटली बॉडी रिलैक्स करने की सूचना अपने आप को देना, और फिर आंखों के सामने कल्पना चित्र निर्माण करना, तैयार करना। कल्पना कौन सी करना? कल्पना ये करना है कि जहां जहां मुझे तकलीफ आती है, जहां जहां मुझे टेंशन आता है, जहां जहां मुझे चिंता आती है, वो जो है सिचुएशन, वो सिचुएशन मैंने मेरे सामने लाना कल्पना में, और वो प्रसंग मैंने सामने लाया, मेरे कल्पना में सामने लाया, और वो सिचुएशन में, वो घटना में मैं शांति से रिलैक्स होके दिमाग शांत रख के उसका सामना कर रहा हूं, एक्चुअली कर रहा हूं वो सब पिक्चर अपने आप का देखना, इमेजिनेशन में वो पिक्चर देखना कि मैं उसका सामना कर रहा हूं, और सामना करके एकदम मतलब रिलैक्स वातावरण में रिलैक्स होकर उसका सामना करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सब तरह ठीक तो हुआ, मैं अपसेट नहीं हुआ, मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैं टेंशन में नहीं हूं, और पूरी पावर के साथ में, पूरी शक्तिशाली रूप से उसका मैं सामना कर रहा हूं, पूरी रिलैक्स होकर सामना कर रहा हूं, ऐसा पिक्चर देखना आंखों के सामने। और जब आप ऐसा पूरा सामना करने का पिक्चर देखते हो, सवेरे, दोपहर, शाम को, कम से कम दो बार तभी, सुबह और रात को आप करते हो, तो काफी हद तक आपकी एंग्जाइटी की समस्या जो है, टेंशन की समस्या जो है, वो आपकी दूर हो सकती है। तो आपने वो जो घटना है उसकी कल्पना करके उसका सामना हम कर रहे हैं या उसको मैं फेस कर रहा हूं, जो व्यक्ति के साथ में आपकी बातचीत हो रही है या वहां टेंशन आ रहा है, तो व्यक्ति के साथ में बातचीत कर रहा हूं, कोई अथॉरिटी है, अधिकारी है, उसके सामने अपने को टेंशन आ रहा है, तो उसके साथ में मैं काम कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, और कल्पना ऐसी करना कि उसके साथ में कुछ काम कर रहा हूं, या कोई भी मतलब धंधे में ऐसा टेंशन आता है, या कोई पढ़ाई में टेंशन आता है, जहां भी आपको टेंशन आ रहा है वो उसकी कल्पना करना, और वो कल्पना करने के बाद में उसका हम शांति से रिलैक्स होकर सामना कर रहे हैं। ऐसे बार बार जब आप सबकॉन्शियस माइंड को हैमरिंग करेंगे, डेफिनेटली निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूं कि आपको उसमें फायदा होगा। तो ये आप डेफिनेटली करो और आप चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। चिंता मुक्त आप जीवन जिएंगे तो काफी सारी बीमारियां जो है बदन की, उससे भी आप पूरी तरह अच्छे हो जाएंगे। तो वो कीजिएगा, ये जो यूट्यूब पे शेयर करो, आप ये आप देख रहे हो वीडियो, ये शेयर करो, लोगों को बताओ, या और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे से काफी सारी वीडियोस आपको दिखेंगे। और सो थैंक यू वेरी मच।